भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 12 जून को नूरपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्वाली भाजपा ने कमर कस ली है तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकें करके रणनीति तैयार की जा रही है। मंगलवार को ज्वाली भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने भाजपा प्रदेश सचिव व जिला सह प्रभारी वीरेंद्र चौधरी के साथ नगरोटा सूर्या कोटला व ज्वाली में बैठकें की। संजय गुलेरिया की तीनों बेल्टों में हुई बैठकों में भारी जनसमूह उमड़ा तथा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की सहमति जताई। जिला सह प्रभारी वीरेंद्र चौधरी व भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 जून को नूरपुर के जसूर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे तथा लोस चुनाव में जीत हासिल करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने कहा कि लोस चुनाव में ज्वाली से भाजपा को बड़ी लीड दिलवाई जाएगी तथा इसके लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता फील्ड में डट गया। वाली बात नहीं है, 2024 में अप्रैल माह में जो केंद्र का चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है उसकी दृष्टि से ये महासंपर्क अभियान की कार्यक्रम पार्टी ने दिया है। जैसे उन्होंने बोला कि 3-4 पार्टी के कार्यक्रम या विधानसभा क्षेत्र में होंगे, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे जो प्रमुख मुद्दा ये है कि इस महासंपर्क अभियान को एक बड़ा स्वरूप देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे किसी उम्मीद के सूत्र जयप्रकाश नड्डा जी 12 तारीख को नूरपुर में बुलाते हैं। एक तो वो इस महासंपर्क अभियान कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत पार्टी का कार्यालय जिला कार्यालय बनेंगे में तैयार हो गया, उसका भी वो अपने कार्यक्रमों से उसका शुरुआत करता है। और पार्टी की ये मंशा है कि जब नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें तो हमारी संख्या अच्छी होनी चाहिए। मीन इस मीटिंग का मैं कोई और लाग इफेक्ट नहीं करूँगा, पार्टी की ये वाक्या मंशा है कि वो तो कार्यक्रम का जो शुरुआत हो वो एक बड़े स्तर की हो। और इसीलिए शायद प्रदेश सचिव जैसे वरिंद्र हैं, इनकी फुल टाइम ड्यूटी लगा दी 6-7 दिन के लिए कि आप ज्वाली का ये सारा ये देखें। और मंशा यही है कि बढ़ चढ़ कर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और बाकी जितने कार्यकर्ता वो इस कार्यक्रम विधानसभा के चुनाव विधानसभा में लड़ाना होगा, ऐसा होगा वो बाकी बाकी बातें चलती नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव जो अभी सच्चाई ये सामने दिख रही है कि एक वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निराशाओं में अब नहीं रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव दिशा की ओर काम करना चाहिए। और उसमें काम करते करते अब राष्ट्र की ओर से नेशनल लेवल की ओर से कुछ कार्यक्रम जो है प्रदेशों को दिए गए। अच्छी तरह से बता दिया कि आज की बैठक का विषय क्या है। इस महीने में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ कार्यक्रम तय किए और सौभाग्य की बात यह है इन सारे कार्यक्रमों में हमें माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम भी हमें मिला। हालांकि जब से चुनाव हुए हैं, अगर आप ओवरऑल इसका व्यू से देखें तो पार्टी अपनी स्पीड से काम कर रही है, पार्टी की अपनी स्पीड चली है। हिमाचल के कार्यकर्ताओं को ज्वाली के कार्यकर्ताओं को उस स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करनी पड़ेगी। हमें बहुत समय ये सोचते नहीं रहना पड़ेगा कि हम यहाँ से जीत गए यहाँ से हार गए यहाँ ये परिस्थिति नहीं यहाँ परिस्थिति। आगे भविष्य में अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उस विषय पर हम कैसे सोचें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।